अजीत और आप देख रहे हैं मौसम टिक्स एंड टिप्स वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं टिक्स एंड टिप्स वीडियो को। तो आज आपका जियो स्पीड बहुत ही स्लो मिल रहा है, तो आप जियो के स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो कैसे करेंगे ये सब, तो मेरा टिक्स वीडियो पे देखिए। नया टिक्स वीडियो मैंने लिखा है वो आपके लिए, तो यह करके देखिए आप। आज मैंने आपको दोनों टिक्स के बारे में बताऊंगा, आपको दोनों टिक्स से एक टिक्स को चॉइस करने को लेना होगा। जो जिसको एक चीज को आप चॉइस करोगे उसको आप यूज करोगे, आप वर्किंग करेगा 100% वर्किंग है मैट्रिक्स, और प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको स्पीड कितना मिल रहा है मुझे डेबल सेटिंग का, और मेरा सेटिंग एपीएन का जो कितना स्पीड मिल रहा है वो मैट्रिक्स के साथ मैं दिखा रहा हूँ और प्रूफ के साथ, आप देखते रहिए। चलिए मेरा डेबल सेटिंग देख लेता हूँ, मेरा मोबाइल पे जो सेटिंग है उसके बाद उसको टेस्ट करूंगा, स्पीड टेस्ट करूंगा। देख रहे हैं इंटरनेट जो नेट सब डिफॉल्ट है, फुल स्पीड टेस्ट करूंगा इसको डिफॉल्ट सेटिंग का। आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग की स्पीड 3 MB का है जो फर्स्ट सेकंड पे MBPS, और अपलोडिंग की स्पीड देख लेते कितना मिला है 3 MB 4 MBPS। ओके, मुझे और कुछ नहीं देखना है फेसबुक यूट्यूब पे स्पीड। इसके बाद आपको मेरा मैं सेटिंग बता रहा हूँ, मैं सेटिंग बोलो आप सेटिंग आपके मोबाइल नेटवर्क पे जाइए, मोबाइल नेटवर्क पे एक्सेस पॉइंट नेम्स से क्रिएट एपीएन सेट कर लीजिए, नेम पे क्रिएट टाइप कर दीजिए ट्रिक्स एंड टिप्स। नेम पे आप कोई भी कुछ भी टाइप कर दो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और एपीएन पे आप टाइप करेगा जियोनेट, सब कुछ डिफॉल्ट रख दीजिएगा, और सर्वर पे टाइप करेगा google.com। ये सब डिफॉल्ट रख दीजिए, और एमएनसी आप यहाँ पर 840 आप बढ़ाना चाहते हो तो 874 भी कर सकते हो, और क्या करना होगा आपको एपीएन प्रोटोकॉल या को नीचे वाला जो है IPv4/IPv6 इसको सिलेक्ट करना होगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ से सेव कर देना होगा। सेट करने के बाद ट्रिक्स एंड टिप्स इस सेटिंग को आप मोबाइल पे सेट करना होगा, मैंने कर लिया। इसके बाद मैं इसको फुल टेस्ट कर लेता हूँ कितना स्पीड मिलेगा आपको।
चलिए देख लेते हैं मैट्रिक्स को वर्किंग करते कि नहीं। अब देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिल रहा है। मेरा सेटिंग्स जो एपेंस नया वाला जो मैंने क्रिएट किया है मोबाइल पे 8 Mbps 7-8 Mbps मिल रहा है। आप अपलोडिंग का देख रहा है 4 Mbps मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स और अच्छा वाला ट्रिक्स है, आप सेट कर लीजिए आपके मोबाइल पे। आपको स्पीड स्लो मिल रहा है तो आप स्पीड बढ़ाना तो सेट कर लीजिए आपके मोबाइल पे। नाइस वर्किंग ट्रिक्स है। और एक नंबर टू ट्रिक्स और एक ट्रिक्स बताऊंगा जो जिसके आप गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा इंटरनेट बूस्टर एक एप्स ऑप्टिमाइज। मैंने लिंक यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। रूट यूजर और नॉट यूजर के लिए मेरा मोबाइल फोन नॉन रूटेड है, इसलिए मैं को नॉन रूटेड क्लिक सिलेक्ट करना होगा। आपको रूटेड है तो रूटेड सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो इस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑप्टिमाइज करेगा आपके इंटरनेट के साथ। चलिए आपको देख रहा हूँ ये पर नॉन रूटेड यूजर, तो आपका मोबाइल फोन रूटेड नहीं है तो नॉन रूटेड यूजर को क्लिक करना होगा। रूट यूजर आप रूटेड है आपका मोबाइल फोन तो रूट यूजर क्लिक करना होगा। मेरा तो नॉन रूटेड है इसलिए मैं नॉन रूटेड क्लिक कर लेता हूँ, हो गया। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ना ऊपर वाला, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आप वो उसका आपका प्रोफाइल को ले लेगा, देख रहे सिस्टम ऑप्टिमाइज सी लॉग डिटेल्स हो गया, ब्राउजिंग आप लॉन्च कर देगा ये पर। ओके मेरा ऑलरेडी है इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आपका टोटली DNS मोबाइल का सेटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको इंटरनेट स्पीड को बढ़ा देते हैं। मैंने दोनों ट्रिक्स बता दिया, आप दोनों से कोई भी एक ट्रिक्स को चूज कर लो, उसको ट्रिक्स को यूज कर लो। 100% वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगा, मैं पूरा विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जरूर करेगा, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर करेगा कमेंट बॉक्स में, हम 24 आवर्स में आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर और एक वीडियो के साथ मिलेंगे।